नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल एम के बारे में। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज़ के बारे में या फिर मिलेनियम सीरीज़ के बारे में। तो देखिए, सैमसंग एक हमारा ऐसा ब्रांड है जिसकी काफ़ी सारी सीरीज जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज और आपकी सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज़ काफ़ी फेमस है। अब देखिए, इन सीरीज़ के साथ में एक आपकी मिडरेंज सीरीज भी थी जो कि थी आपकी सैमसंग गैलेक्सी जे सीरीज़। अगर हम जे सीरीज़ की बात करते हैं तो देखिए, जे सीरीज़ में आपको जो पहले सबसे पहले 2015 में जो दो वेरिएंट्स निकल के आए थे, तो कि था आपका सैमसंग गैलेक्सी J5 और J7। J7 में जो आपका J7 2015 वर्जन था, उसमें आपको एक्सिनोस 7580 का प्रोसेसर मिला था जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर था, तब भी आपको मिडरेंज सेक्शन में मिला था। फिर अगली हम बात इसकी करते हैं, यही सारे एक्सिनोस के आपके लेटेस्ट प्रोसेसर लेकिन गैलेक्सी एम सीरीज में मिलेंगे। अब बारी आती है इनके स्पेसिफिकेशंस की। देखिए, स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो पहला आपका स्पेसिफिकेशन आता है आई एम इन्फिनाइट। आई एम इन्फिनाइट का मतलब है कि आपको एक इन्फिनाइट डिस्प्ले मिलेगा जिसमें आपको यू कट या फिर वी कट डिज़ाइन मिलेगा और साथ में आपको 6.8 इंच के ऊपर स्क्रीन मिलेगा। फिर आता है अगला हमारा पॉइंट आई एम सोशल। आई एम सोशल में अगर हम देखते हैं तो इसका लिंक आपका कैमरे के साथ है। कैमरे में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा, एक सिंगल कैमरा का नॉर्मल लेंस और एक आपको अल्ट्रा वाइड एंगल का लेंस मिलेगा। फिर अगली बात जो हमारी निकल के आती है वो आती है इसमें आई एम जिपी। तो जिपी का आपका डायरेक्टली लिंक है इसमें ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर में। अगर एक्सिनोस का लेटेस्ट प्रोसेसर होगा और साथ में आपको वन वाई मिलेगा ही मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा यूज़र इंटरफेस या फिर यूज़र एक्सपीरियंस आपको दोनों मिल सकता है इस डिवाइस के ऊपर में, इन डिवाइसेस के ऊपर में। फिर अगली जो हमारी बात निकल के आती है वो आती है आपकी आई एम क्विक। क्विक का मतलब है जो उसकी चार्जिंग की कैपेसिटी है। चार्जिंग की कैपेसिटी इन द सेंस कि अगर आप एक मिनट इसे चार्ज करेंगे या दो मिनट चार्ज करेंगे तो ये आपको काफ़ी बैटरी लाइफ प्रोवाइड करवाने वाला है जो आपको थ्रू आउट द डे पावर दे सके, आपके डिवाइस को पावर दे सके, यही इसका लिंक होने वाला है क्विक का। फिर अगला आता है आई एम चार्ज। आई एम चार्ज मतलब कि इसका बैटरी जो है कम से कम 3000 मिली एम्पायर की बैटरी एक्सपेक्ट करी जा सकती है इन डिवाइसेस के साथ में। फिर इसके बाद में एक और जो लास्ट में पॉइंट बचता है हमारा वो है आई एम केयरिंग। केयरिंग का अगर हम देखते हैं, अगर आपके पास में कोई भी स्टॉक एंड्रॉयड डिवाइसेस हो तो आपने देखा होगा कि उसमें लास्ट में जब आप स्क्रॉल करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास लिंक आता है सपोर्ट एंड हेल्प का। तो अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो आपको कॉलिंग का भी और साथ में फीडबैक देने का या फिर मेल करने का लिंक देता है। तो शायद आपको वन यू आई के साथ में इन डिवाइसेस में मिडरेंज सेक्शन में अगर ये मिलता है तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। फिर इसके बाद में अगर हम एक और बात पे गौर करें तो देखिए, सैमसंग का जो इवेंट था उसमें आपके बेसिकली तीन या फिर चार डिस्प्लेस लॉन्च हुए थे। एक था आपका यू कट, वी कट, पंच होल और एक था आपका इन्फिनाइट डिस्प्ले। तो यू कट, वी कट और इन्फिनाइट तो अनवील हो गए, लेकिन पंच होल डिस्प्ले किस डिवाइसेस में आएगा या किस डिवाइस में आएगा,